हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास सांगवान है। मैंने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में 123वां स्थान प्राप्त किया है। ये मेरा तीसरा प्रयास था। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हम लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है, और इस वीडियो में हम GS2 और GS3 के बारे में जानेंगे कि GS2 और 3 के नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि GS2 एंड 3 काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं, तो इसलिए वो असेंशियल है कि हम कैसे नोट्स बना सकते हैं। इसको जानने के लिए मैंने अपने नोट्स बनाने के लिए एवर नोट एप्लीकेशन का यूज़ किया था। हालांकि हम लोग नोट्स पेपर पे ही बना सकते हैं, और उसके लिए हम A4 शीट पे नोट्स बना सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं टॉपिक वाइज। दूसरा तरीका है कि हम लोग एवर नोट टाइप या वन नोट एप्लीकेशन हैं जिन पे हम लोग नोट्स बना सकते हैं। वो काफ़ी ईजीली होता है, क्योंकि उसमें हम ईजीली हम अपडेट कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई करना है वो मॉडिफाई कर सकते हैं एक जगह पे। ओवर द पीरियड जब एक टॉपिक डिस्कस होता है तो उस टॉपिक को एक साथ हम ला सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे दिखता है वो एक बार हम साइड पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशन दिखता है ये। इसमें हम लोग यहाँ पे ये मेंस का फोल्डर होता है, और उसके नीचे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट सब पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर मैं कहूँ तो मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे मेरे नोट्स का स्ट्रक्चर, मैंने ऐसा किया है कि इस तरह से डिवाइड किया है। तो जो मेरे नोट्स का स्ट्रक्चर रहा है मोस्टली, वो कैसे रहा है, मेरा मेंस का फोल्डर रहा है एक, जिसमें मैंने नोट्स डिवाइड करे हैं ऐसे, GS1 जनरल स्टडीज़ 1, 02 पे जनरल स्टडीज़ 2, 03 पे जनरल स्टडीज़ 3, 04 पे जनरल स्टडीज़ 4। तो इस तरह से मैंने अपने ऑनलाइन नोट्स बनाए हैं, और इसके अंदर, इन नोट्स के अंदर ये एक बुक की तरह है। तो अगर आप GS2 देखोगे तो उसके वो एक बुक है आइडियली, और GS2 के अंदर हम फिर से सब नोट्स बना सकते हैं, उसके सब पार्ट्स होंगे। जैसे कि सबसे पहले 01 पे कॉन्स्टिट्यूशन, एंड पॉलिटी, 02 पे गवर्नेंस, 03 पे बिल्स, जनरल इश्यूज, एंड देन लास्ट में एक इंटरनेशनल रिलेशंस IR का जो पार्ट है। तो इस तरह से क्या है, हमने अपने GS2 के नोट्स को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट थीम्स। जो भी हमारे सब्जेक्ट, जिस तरह से हमारा पेपर आता है, लाइक कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के ऊपर होते हैं, कुछ गवर्नेंस के ऊपर होते हैं, कुछ बिल्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, जनरल इश्यूज़ के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के होंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देखें तो इस तरह से हमारे नोट्स दिखाई देंगे। अब इसी के अंदर हम लोग, अगर एक हमारा जो वो होगा, वो एक 04 एक जनरल इश्यूज भी होगा, इसके अंदर जो भी हमारे हॉट इश्यूज चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, मान लो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर कुछ चल रहा है, या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा है, या सिटीजनशिप बिल के ऊपर कुछ चल रहा है, तो हम उसे बिल्स में डाल देंगे। और जब भी सिटीजनशिप बिल के ऊपर कुछ भी अपडेट आएगा न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन से, मैं पॉइंट्स नोट करूंगा, तो मैं उसको बिल्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पे जाके वहाँ पे एक सिटीजनशिप बिल से एक टॉपिक होगा, और वहाँ पे मैं उस पॉइंट को ऐड कर दूंगा। इस तरीके से मेरे सारे बिल्स जो होंगे, वो जो भी मुझे प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, वो यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। कैसे दिखता है वो, उसको हम देख सकते हैं। जैसे अभी मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, बिल्स हैं। तो इसमें जैसे सबसे ऊपर एक बिल दिखाई दे रहा है, एंटी ट्रैफिकिंग बिल। इसी तरीके से बाकी बिल्स भी होंगे नीचे, जैसे IM बिल 2017 का था, HIV एंड एड्स बिल 2014 वाला था, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2016 का था। तो इस तरीके से मैंने सारे बिल्स लिख दिए हैं, और उसके प्रोविजंस लिखे हैं, उस बिल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसका वे फॉरवर्ड क्या है किसी बिल का, वो हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें। तो एक जगह पे मेरे पास सारे पॉइंट्स लिस्ट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ इट।
अब नोट्स कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उसके लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स GS2 के पिक करते हैं और उसके बाद हम GS3 के टॉपिक्स पिक करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लोग एंटी ट्रैफिकिंग बिल को ही देख सकते हैं, जो कि काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। तो कैसे नोट्स बना सकते हैं, जैसे मान लो पेपर पढ़ा आपने आज का और उसको आपने लगा कि आज रिसेंट हैपनिंग क्या हुई है। जैसे रिसेंटली आज कल ही हुआ है कि कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ट्रैफिकिंग बिल 2018। तो उसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखोगे आप नोट्स के अंदर, तो आप उसमें बताओगे, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे इट्स वेरी एडिटेबल, आप ऐसे इसको लिख सकते हो और आप इस यहाँ पे दिखाओगे इसमें कि बैकग्राउंड क्या है, कि क्या ज़रूरत है एंटी ट्रैफिकिंग बिल लाने की। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 23 बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हम एंटी ट्रैफिकिंग के लिए ऐसे कानून लेके आए। दूसरा एक और बैकग्राउंड है कि क्या अर्जेंसी आई कि हमें क्यों ये बिल लेके आना पड़ा। तो ये ज़रूरी है, ये हमें जानने के लिए ज़रूरी है कि ये बिल क्यों आया है। दूसरा ये कि जब हम कोई भी इसके ऊपर प्रश्न आएगा, उसके हम जब लिखेंगे आंसर हम उसका, तो उसमें ज़रूरी रहेगा कि हम कुछ बैकग्राउंड दें, किसी गवर्नमेंट सोर्स को, कुछ डेटा को कोट कर सकें। लाइक NCRB ने डेटा दिया था कि 8,000 केसेस हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लास्ट ईयर में, एंड इट हैज़ इंक्रीज लास्ट ईयर से 15%, 18% रेट से इंक्रीज़ हुआ है। और जो ट्रैफिकिंग है मोस्टली इसकी वजह से, किन पर्पजेस से किया जाता है इसको, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन, प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो ये मेन रीजंस हैं उसके। तो जब हम एक बिल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग उसके उसका एक बैकग्राउंड दे रहे हैं। ये चाहे जब हम अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे तब भी हमें चाहिए होगा कि हम लोग एक बैकग्राउंड दें, और उसके साथ हम फिर फीचर्स डिस्कस करेंगे कि बिल के, क्योंकि क्वेश्चन जनरली यही आएगा कि क्या, व्हाट इज़ द नीड फॉर ब्रिंगिंग सच बिल, और क्या ये सफिशेंट होगा ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। तो हमने उसमें उसके प्रोज भी दिखने डिस्कस करने हैं कि फीचर्स क्या हैं बिल के, कि वो क्या कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाएगा। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसका भी, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे, जो कि पार्लियामेंट्री डिस्कशंस भी चल रहे हैं आजकल, हाउस चल रहा है, सेशन में है, तो वहाँ पे डिस्कशन भी होता है बिल्स के ऊपर। तो वो जो डिस्कशन होता है वो ही न्यूज़ पेपर में उनके उसी के बेसिस पे जो है, काफ़ी वेल रेड लोग अपने सजेशंस लिखते हैं और उन सजेशन से ही हमारे पास ये क्रिटिसिजम्स भी नोट होते हैं। जैसे क्रिटिसिज्म है कि ये इस तरह के और भी इंस्टीट्यूशंस हैं तो ओवरलैपिंग रोल्स हो जाएंगे, विक्टिम को ही जो ऑलरेडी विक्टिमाइज है उसको जाना पड़ेगा पुलिस के पास, ट्रैफिकिंग जो कर रहा है, जो कि अपने आप में टफ हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोज भी हैं इसके, लाइक इट एड्रेसेस द इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेंशन, रेस्क्यू एंड रिहेबिलेशन। क्योंकि इसके अगर तुम प्रोविजन देखोगे तो इसमें एक रिहेबिलेशन फंड प्रिपेयर करते हैं, एक स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पनिशमेंट जो है वो काफ़ी हार्श है, लाइक 10 ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास एक जो है, एक ही बिल के एक जगह लिस्टेड है सारे प्रोविजन, उसके क्रिटिसिज्म लिस्टेड हैं, उसके वे फॉरवर्ड लिस्टेड हैं, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है रिप्रोड्यूस करना। इसी तरीके से हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, हम जैसे अभी ये नोट्स बनाना शुरू कैसे करें। लाइक पेपर में तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी न्यूज़पेपर में, तो हम कैसे शुरू करें, उसके लिए ज़रूरी है हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखें। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पे पास्ट ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूँ GS2 पे। तो पास्ट ईयर अगर क्वेश्चंस देखें हम लोग, हमारे पास ये लास्ट ईयर से क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन दी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हायर जुडिशरी। तो इसमें क्वेश्चन जो है 2017 में ही आया है कि वो NJAC के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है, NJAC के ऊपर क्वेश्चन है और उसमें हमें जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट जजमेंट आया है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को। तो हमने जो क्रिटिकल एग्जामिन करना है, मतलब हम उसके, ऑब्वियसली हम उसके पॉजिटिव्स भी डिस्कस करेंगे लेकिन हम उसके नेगेटिव्स भी डिस्कस करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन है क्रिटिकल एग्जामिन। तो जब हम NJAC के जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर हमारे पास लिस्टेड हैं वो नोट्स में एक जगह, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। लाइक मैं आपको नोट्स में शो करता हूँ उसको। सो द एम इज, तो दिस इज वन टॉपिक विच इज रनिंग इन न्यूज़, राइट। ये एक है जो टॉपिक रोज न्यूज़पेपर में आता है, NJAC के ऊपर डिबेट आ रहा है, तो आपका एक टॉपिक तैयार हो गया। सो दिस इज वन टॉपिक। तो इस तरह से आपको टॉपिक्स एनालाइज करने हैं। जैसे आप अगर
और टॉपिक्स को भी देखोगे तो एनजेसी इज वन, देन अनदर इज एक ऑर्डिनेंसेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया है, और ऑर्डिनेंसेस पे आज भी काफ़ी डिबेट रहता है कि गवर्नमेंट जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो वो ऑर्डिनेंसेस का रूट की तरफ जाती है। जब बिल पास नहीं हो रहे होते हैं तो फिर गवर्नमेंट इस रूट को अडॉप्ट करती है। सो दैट इज़ वन। अनदर वन इज़ अगर हम नीचे देखें सिलेबस टॉपिक के वाइज डिवाइडेड हैं क्वेश्चंस। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे क्वेश्चन आया 2017 में नीचे, नॉट प्रूव टू बी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट एंड गिव योर व्यूज़। सो द क्वेश्चन वॉज लाइक अनदर वॉज ऑन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। सो जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो ऑलरेडी हमारे पास एक सब टॉपिक भी है सिलेबस का, जिसमें हम लोग लोकल गवर्नेंस के पावर्स डिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ वन पॉइंट। अनदर इज़ जो उसी सब टॉपिक के अंदर एक आया है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो दिल्ली एलजी इशू चल रहा था उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था 2016 में, तो वो भी एक न्यूज़पेपर में कवर था। तो इन चीज़ों को जो ये जो है ये एक इश्यूज़ हैं, ये टॉपिक्स हैं, तो इस तरीके से हमें टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं और फिर इन टॉपिक्स के ऊपर हमें अपने नोट्स लिस्ट डाउन करने हैं। जैसे मैं आपको एनजेसी का दिखाता हूँ कि कैसे हम नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं नोट्स में इसका ये भी एक फ़ायदा है कि यहाँ पे जैसे स्क्रीन के अंदर मैंने एनजेसी यहाँ सर्च किया और मैं जो है उसको फिर ले पा रहा हूँ अपने पास। तो एनजेसी बिल मैंने सर्च किया यहाँ पे अपने नोट्स में, लेफ्ट साइड में आप सर्च कर सकते हो यहाँ पे, और एनजेएसी बिल मेरे पास यहाँ लिख के आ गया, और उसका मैंने बैकग्राउंड नोट्स में अपना बैकग्राउंड डाल दिया है कि ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इसका क्या कंपोजिशन है एनजेएसी का, कितनी स्टेट्स उसको रेटिफाई कर सकती हैं, कंफर्म कर चुकी हैं ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेसिस दिया है, किस लिए इसको रिजेक्ट किया है। तो ये न्यूज़पेपर से रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें पॉइंट्स पुल्ड आउट हैं वहाँ से, लाइक इनसफिशियंट प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी, एनजेसी डज नॉट गिव ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू जुडिशरी, दैट इज़ वन। सेकेंड इट इज़ दैट इट इज़ अल्ट्रा वायरस ऑफ द प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें लॉ मिनिस्टर भी एक मेंबर हैं एनजेसी के, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं, और फिर उसके बाद हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि और क्या ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है इसके लिए, लाइक एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर गवर्नमेंट लेके आई थी कि ऑल्टरनेटिव अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर एनजेसी नहीं तो और क्या। तो एमओपी का सजेशन था, तो क्वेश्चन में हालांकि एनजेएसी के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन हमें क्योंकि एमओपी एक सोल्यूशन है तो उसको भी कोट करना होगा। तो इसलिए अगर हमारे पास इस तरीके से लिस्टेड होंगे सारी चीज़ें, एमओपी के बारे में हमारे पास कमेंट्स हैं, और भी जुडिशियल रिफॉर्म्स हम कोट कर सकते हैं कि लाइक एनजेएसी ही सिर्फ ओवरऑल सोल्यूशन नहीं है, और भी जुडिशियल रिफॉर्म्स हम लिस्ट कर सकते हैं और एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हम जुडिशरी को और इफेक्टिव एफिशिएंट बना सकते हैं, वो पॉइंट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तब आएंगी हमारे आंसर में जब हमारे पास सारी चीज़ें एक जगह लिस्टेड हैं। दैट इज़ वाई द प्राइम एसेंस कि हमें नोट्स हम ज़रूर बनाएं और इस तरीके से हम टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम इस तरीके से हम लोग जो हैं गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, वो भी हम कवर कर सकते हैं। हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर कुछ डिस्कशन चल रहा है, वो भी हम कवर कर सकते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम आईआर के नोट्स बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आईआर के अंदर अगर हम सिलेबस देखें, और हम इसके लिए भी बेस्ट है कि हम क्वेश्चन बैंक ही देखें फिर से एक बार, क्योंकि क्वेश्चन बैंक डिटेल्ड सिलेबस है इन अ सेंस, तो उसको हमें बार बार रेफर करना चाहिए टू नो कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। ओके तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स कवर होंगे,
GS2 के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है उसमें आयर बोलते हैं इसको। उसके अंदर बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा, ये ज़रूरी है समझना एग्ज़ाम के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे। और वो अब समझना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज देर इज़ नो डर्थ ऑफ मटेरियल। बहुत कुछ है मार्केट में भी, बहुत मटेरियल अवेलेबल है, पेपर में भी बहुत कुछ आर्टिकल्स हैं जो रिलेवेंट नहीं होंगे हमारे लिए। US नॉर्थ कोरिया डिस्प्यूट चल रहा है, हम लोगों को बहुत डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। हमें पता होना चाहिए इश्यूज़ क्या हैं ओवरऑल स्टोरी, बट UPSC कभी भी हमसे US और नॉर्थ कोरिया डिस्प्यूट के बारे में नहीं पूछने वाला है। जहाँ पे इंडिया के इंटरेस्ट होंगे वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो तीन तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं, इंडिया एंड नेबर्स, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अपने नोट्स भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, इसीलिए ज़रूरी से समझना। इंडिया एंड अदर मेजर पावर्स, मेजर पावर्स जैसे कि US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड थर्ड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मोस्टली क्वेश्चंस इन तीनों पे आते हैं। हम लोग देखेंगे कि कैसे लास्ट ईयर में भी जो है इन चीज़ों से ही क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम देखें लास्ट ईयर नेबर्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली एक आया है, चाइना इज़ यूजिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशंस एंड पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस एज अ टूल टू डेवलप पोटेंशियल मिलिट्री पावर स्टेटस इन एशिया, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। सो द क्वेश्चन जो आया है लास्ट ईयर जैसे, वो आया है चाइना के एग्जाम्पल जैसे कि आया है, चाइना का जो इकोनॉमिक हेजीमनी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, और कैसे जो चाइना का ये रोल है वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को और उसके नेबर्स को, राइट, इंडिया के उसके नेबर्स के रिलेशंस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज़ वन, देन अनदर इज़ चाइना का OBOR जो स्ट्रेटजी है वो, तीसरा चाइना की जो चेकबुक डिप्लोमेसी है जिसमें वो लोन्स देता है, तीसरा चाइना के कि टेक्निकल प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट्स भी चाइना से बहुत ज़्यादा हैं, बाकी कंट्रीज में काफ़ी डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से हमें चाइना की जो इकोनॉमिक हेजीमनी है उसको डिस्कस कर सकते हैं, एक जगह लिस्ट कर सकते हैं पॉइंट्स की, इंडिया की विस विस चाइना कैसे हार्म है इंडिया और उसके नेबर्स के इंटरेस्ट के लिए। तो एक क्वेश्चन जैसे इस पे आया था, एक और क्वेश्चन जैसे क्वेश्चंस ऑफ इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी का कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इकॉनमिक एनालाइज, इंडिया का एनर्जी पॉलिसी कॉपरेशन विद वेस्ट एशियन कंट्रीज़, कि इंडिया जो है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहा है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। उसके अलावा एक और जो क्वेश्चन जो कि नॉट नेबर्स की तरफ से आया है वो एक लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर आया है, राइट, 2016 में आया है क्वेश्चन, और 2015 में एक अफ्रीका पे क्वेश्चन आया है। तो मेजर पावर्स नहीं कहेंगे बट नॉन नेबर्स है, मेजर पावर्स और यू कैन से नॉन नेबर्स। तो नॉन नेबर्स में जैसे क्वेश्चन आया है एक लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर, दूसरा जो क्वेश्चन है वो अफ्रीका के ऊपर आया है। तो इस तरह के तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक में नेबर्स को कवर करना है, चाइना को, भूटान को, पाकिस्तान को, श्रीलंका के रिलेशंस के साथ, दूसरे में हमें लुक ईस्ट पॉलिसी है, या फिर सार्क के ऊपर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो भी इंटरनेशनल वो है उस तरह से, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ हम कवर कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन यूनेस्को के ऊपर आया था, तो यूनेस्को के क्वेश्चन के टाइप को हम इस तरह से यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इकोसॉक के ऊपर क्वेश्चन आया था, WTO के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ कवर कर सकते हैं, कि WTO के क्या इश्यूज चल रहे हैं। उसके अलावा उससे पहले भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक AIIB के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को हम बाइफरकेट करके अपने इशू अपने हमने डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर लिए कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या तैयार करना है, और फिर उस हेडर के अंदर मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करे। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अपने नोट्स दिखाता हूँ मैं, इसमें हम इंडिया और नेबर्स देखते हैं, और इसमें लेट्स से गो फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। सो इसमें अगर हम यहाँ देखें स्क्रीन शॉट स्क्रीन के ऊपर,
तो इंडिया बांग्लादेश की जब मैं नोट्स बना रहा हूँ तो उसमें मैंने क्या कवर किया है, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आई शुड बी एबल टू आंसर इट। सिग्निफिकेंस ऑफ बांग्लादेश, हम लिस्ट करेंगे कि क्या असेंशियलिटी, क्या क्यों ज़रूरी है बांग्लादेश हमारे लिए। तो जो जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम उसमें सिग्निफिकेंस लिस्ट करेंगे। सोशो इकोनॉमिक नॉर्थ ईस्ट का है, वो वहाँ से होके जाता है बांग्लादेश की, इसलिए असेंशियल नेसेसिटी है। इंसर्जेंसी कंटेन करने में हेल्प करेगा, ट्रैफिकिंग में, माइग्रेंट्स को रोकने में। रिसेंटली हमने देखा भी है, रोहिंग्याज के केस में भी हमने देखा कि बांग्लादेश ने काफ़ी में काफ़ी लोगों ने असाइलम लिया है। तो बांग्लादेश जो है इसलिए एसेंशियल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल फॉर अस। तीसरा है चाइना का इन्फ्लुएंस रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज अगर न्यूट्रल बांग्लादेश रहेगा तो हम लोग कंटेन कर पाएंगे इन अ सेंस चाइना को ग्रो करने में, बे ऑफ बंगाल और अपने इस रीजन के अंदर। बट इस ये हमने सिग्निफिकेंस लिस्ट की है कि क्यों बांग्लादेश हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इसी के साथ कुछ इश्यूज भी हैं बांग्लादेश के जो हमारे लिस्ट आउट करें यहाँ पे, जैसे कि लीगल माइग्रेशन हमने देखा है, असम डिस्प्यूट, असम का जो अभी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वाला हमारा इश्यू चल रहा है वो इससे रिलेटेड है, उसको भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। जब आप आयर का क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे अपने जब नोट्स बना रहे हो तो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो कि जो असम अकॉर्ड थी 1985 की, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में सेट हुई है, राइट। 1971 के बाद काफ़ी लोग माइग्रेट हुए, उसके बाद उसी के रिलेवेंस में ये इशू अभी तक चल रहा है, तो वो आप लिस्ट कर सकते हो व्हेन यू डिस्कसिंग, जब इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा पोरस बॉर्डर, हमें पता है एक प्रॉब्लम है। चाइना कार्ड एक जो है काफ़ी बार नेपाल भी यूज़ करता है कि विल गो चाइना की तरफ, हम चले जाएंगे, हमें कुछ भी अगर इकोनॉमिक हेल्प चाहिए होगी, अगर इंडिया को उनको प्रेशराइज़ करना है तो वो इस तरह से करते हैं। तीसरा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जैसे कि तीस्ता डिस्प्यूट पे हमने देखा काफ़ी चल रहा था। उसके अलावा हमारे और भी रिलेशंस हैं कि हम लोग किन रूट्स के थ्रू अपने रिलेशन उनके साथ इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो कल्चरल रिलेशंस हैं, हम काफ़ी शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन हेरिटेज है। तो दीज पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जब हम लिस्ट करेंगे एक जगह तो अदरवाइज हमारे हम सोच नहीं पाते हैं, जब हम क्वेश्चन को शो कर रहे हैं ना कि हम लोग क्यों बांग्लादेश हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम उतना सोच नहीं पाते हैं अगर हमारे पास एक जगह लिस्टेड नहीं है, कि हमारे जो टाइज हैं, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन हेरिटेज है, हमारी लैंग्वेज सेम है, लिटरेचर आर्ट में हम लोग काफ़ी सिमिलर हैं, एक दूसरे से इनहेरिट करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हमारी वो सब हमें कॉमन स्ट्रेंथ है, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए और हमें अपने रिलेशंस को एक अच्छी डायरेक्शन में देना चाहिए। तो इस तरह तरीके के जो पॉइंट्स हैं हमें हमारे आंसर को कंक्लूड करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा और भी डायमेंशंस हैं जो काफ़ी डिटेल लिखी गई हैं नोट्स में, अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो लिस्ट किए हैं, फिर बाकी इशूज़ को डिस्कस किया है, तीसरा इशू को, पावर एग्रीमेंट के ऊपर क्या चल रहा है, कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज भी चल रही थी, और लैंड बाउंड्री भी हमने देखा एग्रीमेंट हुआ था। तो वी लिस्टेड ऑल दोज इश्यूज हेयर। तो इंडिया बांग्लादेश के साथ सारे कॉम्प्रिहेंसिवली इश्यूज यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमारे काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा कि बांग्लादेश कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसको इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख सकते हैं, मान लो नॉन नेबर का, तो जैसे कि यूएस के साथ देखते हैं, लेट्स से इस तरीके से हमने इंडिया यूएस के भी नोट्स बना रखे हैं इसमें। इट्स वेरी इजी, यहाँ सर्च कर सकते हो नीचे, यूएस सर्च किया आपने, आपके नोट्स के अंदर लेफ्ट साइड पे आयर की नोटबुक है, आयर की नोटबुक में आपने इंडिया यूएस नाम से एक टॉपिक बना रखा है, और उस टॉपिक के नीचे आपने यूएस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स लिख लिए हैं कि क्या क्या चल रहा है हमारा यूएस के साथ आजकल, रिलेशंस क्या हैं, कोई अगर हमने डिफेंस पार्टनरशिप किया है अभी रिसेंटली, न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलपमेंट के लिए हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं उनके साथ, हमारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी चल रही है उनके साथ डिस्कशंस पे, मॉडल BIT उसके क्या इश्यूज चल रहे हैं और इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। तो इस तरीके से लेमोवा काफ़ी न्यूज़ में था, लेमोवा के बारे में हमने डिस्कस किया है कि कैसे LSS से डिफरेंट कैसे है, और क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या अपोजिशंस क्या थी हमारी, और आगे वे हेड क्या है, हम कैसे जा सकते हैं लेमोवा के साथ। इसी तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमने डिस्कस किया है, यूएस के साथ हमारे प्रोप्राइटरी राइट्स पे भी इशू रहता है, लाइक पायरेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनका 301 रिपोर्ट है, वीज़ा इश्यूज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा था, पाकिस्तान एक एंगल भी हमारा रहता है, यूएस एंड का डी हाइफनेटिंग जो पॉलिसी है,
बाकी ट्रेड इश्यूज भी हैं यूएस के साथ हमारे बहुत सारे, लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडीज पे हमने देखा आजकल भी ट्रेड सब्स ये ड्यूटी वॉर्स चलती रहती हैं, राइट। स्टील ड्यूटी पे जो डिस्कशन था, सोलर सेल पे हमने देखा WTO में हमारा डिस्प्यूट गया, वीज़ा फी है, IPR है, शेल गैस है, तो बहुत सारे हमारे रिलेशन हैं। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सिग्निफिकेंस भी है रिलेशंस की, कि कैसे इंडिया जो है पिवट टू एशिया का एक असेंशियल पार्ट है, यूएस की जो एक सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसका भी इंडिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और डिफेंस पार्टनरशिप हमारी काफ़ी ग्रो कर रही है। तो इस तरीके से हम लोग, जब हमारे पास सारे पॉइंट्स एक जगह लिस्टेड हैं, हमारे पास सारे डेटा फैक्ट्स वगैरह सारे पॉइंट्स लिस्टेड हैं, ईजी होगा हमारे पास जब यूएस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेशंस के साथ, तो हम उसको वहाँ पे ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर को। सो दिस इज़ प्राइमरली विद GS2। और GS2 में एक और चीज़ एसेंशियल है कि हम लोग GS2 में अपने आंसर्स को रिच कैसे करें। लाइक ये तो हो गया कि हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें भी हमें करनी होंगी लिस्ट आउट, जो कि हम लोग, जैसे मैंने भी अपने यहाँ पे फोल्डर के अंदर कोट किया है, जिसमें मैंने काफ़ी स्कीम्स वगैरह हैं या एग्जाम्पल्स हैं वो लिस्ट आउट किए हैं। अगर हम स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पे, तो स्क्रीन पे जैसे कायाकल्प स्कीम है, काकतीय मिशन है, या महिला ई हार्ट है, हमारी धरोहर है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जन औषधि योजना है, राइट। सो ये सारी चीज़ें लिखने से, आंसर्स को रिच करने से, जब आप कुछ भी एग्जांपल दे रहे हो, कुछ कोट कर रहे हो, तो वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लेके आता है। या कोई भी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, आर्टिकल 142 पे लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट था, या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किसी और परस्पेक्टिव में आया है, वो कोट करना चाहिए। तो आइडली मैं बोलूँगा अपने आंसर्स को अगर रिच करना है हमें GS2 में, तो साथ साथ वी शुड ऑल्सो लुक फॉर इन चीज़ों के लिए भी हमें अपनी आंसर कॉपीज में ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सब लोग वही सोर्सेज पढ़ रहे हैं, और अपने आंसर्स को डिफरेंशिएट अगर करना है तो हमें कोशिश करनी होगा कि GS2 स्पेसिफिकली में तो एनरिच कैसे करें अपने नोट्स को। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है एनरिच करने के लिए कि हमारे पास, जैसे मान लो अगर राइट टू प्राइवेसी पे केस था, तो राइट टू प्राइवेसी हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ कुछ जजमेंट्स थी जो केसेस की, जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे खड़क सिंह केस की कुछ जजमेंट थी, तो वो सब जो है हमें सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस हैं या जजमेंट्स हैं उनको कोट करना चाहिए, जो पास्ट में भी हैं या प्रेजेंट में भी हुए हैं, तो उनको केसेस एंड जजमेंट्स हमें कोशिश करना चाहिए GS2 के अंदर हम कोट करें, और उनको हम नोट अपने नोट्स में इस तरीके से एक फैक्ट फोल्डर बनाएं और उसमें वहाँ रख लें उन चीज़ों को। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो रहेगा कि हम सेकेंड ARC को हम काफ़ी कोट कर सकते हैं, सेकेंड ARC को हम कोट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम पूरी सेकेंड ARC की रिपोर्ट पढ़ें, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पढ़ लें कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से, जैसे कि एथिक्स इन गवर्नेंस है, उसकी हम कुछ दो चार इंपॉर्टेंट जो भी है वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट है, या इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट है, तो हमें ये सारे रिपोर्ट्स पूरे अच्छे से नहीं पढ़ने हैं, बट इनके कुछ कुछ शॉर्ट पॉइंट्स, कुछ कुछ रिकमेंडेशंस जो अपने आंसर को हम रिच कर सकते हैं अपने आंसर को, उसके लिए हमें लिस्ट आउट कर लेने चाहिए, और उससे काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है आंसर जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि सेकेंड ARC हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड दिस थिंग। एक ऑथेंटिकेशन आ जाती है आंसर के अंदर कि हाँ एक अच्छे सोर्स से ये चीज़ आई है। और भी कोई बॉडीज़ हैं, मान लो अगर लॉ कमीशन ने कुछ बोला है, या MCI ने किसी कुछ बोला है, किसी बॉडी ने, जो भी कोई भी स्टैचुरी बॉडी है उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए किसी एक्ट के ऊपर, किसी इशू के ऊपर, वो लिस्ट करना चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स कोट कर सकते हो, जो भी फेमस रिपोर्ट्स हैं, लेट से अगर कोई कोई रिपोर्ट इस पर भी आया है, लोन वेवर पे कोई रिपोर्ट है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, कोई स्वामीनाथन रिपोर्ट है, या फिर शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है ऑन इट वाज ऑन आई गेस आई फॉरगॉट द नेम, रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर था वो, आई गेस फूड सप्लाई के ऊपर कुछ रिलेटेड था, तो वो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है, PDS के ऊपर आई गेस था वो, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं बेनिफिशरीज को, उससे रिलेटेड रिपोर्ट है, तो वो भी हम कोट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। और रिपोर्ट्स के अलावा आप नीति आयोग की रिपोर्ट्स को भी, 3-year agenda उसको भी कर सकते हो, तो इसको भी आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समरी अवेलेबल होती हैं,
उन समरी से आपको अपने नोट्स बनाने हैं, फिर से समरी में जो आप अपने आंसर कॉपीज में लिखोगे सिर्फ वही सब चीज़ें लिखो। आप आर्टिकल्स कोट कर सकते हो पेपर, इसमें सेमिटेज इलेक्शन आया या रूल ऑफ गवर्नर आया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आया, तो आप अपने आर्टिकल्स जब उस टॉपिक के नोट्स बना रहे हो सेमिटेज इलेक्शंस के या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के, तो वहाँ पे आप उसके साथ में एक आर्टिकल भी लिख लो उसका, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है। इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव कि बंदे को जो है कॉन्स्टिट्यूशन की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है कि कहाँ से किस आर्टिकल से आ रहा है, इट रियली हेल्प्स। उसके अलावा आप कुछ रैंकिंग्स वगैरह भी कोट कर सकते हो, अगर आपको कहीं आना लिखना है, मान लो अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक रिपोर्ट है, उसमें जो है क्या हमारा कितनी क्या स्टैंडिंग है हमारी और क्या इश्यूज़ हैं, रिपोर्ट क्या लिस्ट कर रही है, तो वो सब चीज़ें लिख सकते हो। इंटरनेशनल जो कमेटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स कुछ कोट कर सकते हो, या इंटरनेशनल कमेटीज़ को आप लिस्ट कर सकते हो कोई भी उसकी, अगर कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो। इसके अलावा जो आपको आप आंसर को करेगा आप इसमें हमेशा आप जो है SDGs को रेफर कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। हमें कोशिश करना है कि अपने आंसर को थोड़ा डिफरेंट दिखाना है, और डिफरेंट तब दिखेगा जब हम इन सब चीज़ों को अपने आंसर में यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमें कोशिश करनी है GS2 में, हालांकि उतना स्कोप नहीं है डायग्राम्स का या फ्लो चार्ट्स का, फिर भी बना सकते हैं हम लोग, मतलब कहीं ना कहीं पे शो कर सकते हैं, जैसे कि लोकल गवर्नेंस का हमने डिस्कस किया था, हम ऊपर स्टेट, उसके बाद नीचे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं या फिर पंचायत जो भी हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, फिर नीचे लोगों का पार्टिसिपेशन शो करते हैं। कितना भी सिंपल डायग्राम हो सकता है ये, इट विल रियली हेल्प मार्क्स फेच करने में। दूसरा जो चीज़ है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन है, अगर मान लो अगर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि हमें लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है, या हमें जो है इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आया है कि उसके क्या स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, तो कुछ नहीं है, इंडिया का मैप बना दो रफ सा, कुछ नहीं करना उसमें से, रफ मैप बना दो इंडिया का ऐसे करते हुए, यहाँ श्रीलंका बना दो और जो है इधर थोड़ा सा अफ्रीका बना दो, तो जो है ये IOR को पॉइंट कर दो, बे ऑफ बंगाल लिख दो इसको, श्रीलंका बना दिया, यहाँ बाकी आइलैंड मालदीव और मॉरिशस वगैरह शो कर दो। तो जो है इस तरीके से अगर हम अपना स्क्रीन पे शो कर देंगे डायग्राम को, तो आंसर की प्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है, इट्स अ मार्क्स फेचिंग टेक्निक, इससे मार्क्स थोड़ा इंप्रूव होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है बाकी लोगों से। इन सब चीज़ों को भी हम नोट्स में कर सकते हैं, इनको सॉफ्ट कॉपी पे तो नहीं बना सकते, इनको हार्ड कॉपी पे नोट्स बना प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैंने की थी, नोट्स को ऑनलाइन बनाया और जब मेंस आने वाला है जब 2 महीना पहले, तो इनको इनका प्रिंट आउट ले लिया, तो इससे क्या हुआ पढ़ने में आसानी हो जाती है। एडिट करना लैपटॉप पे काफ़ी आसान होता है, लेकिन पढ़ना फिर कॉपी पे आसान होता है, तो वहाँ पे जो है जब कॉपी पे जब रिवाइज़ कर रहे हो तो अब आप इन नोट्स को इनको इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में साइड में बना सकते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और मार्क्स फेचिंग तो है, तो कोशिश करें कि हम अपने नोट्स मेकिंग के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी रिपोर्ट्स में देखें, और एक डेटा फैक्ट नाम से अपने जो है शीट इस तरह से बना के रखें जिसमें स्कीम्स भी लिस्ट करें हम लोग। गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक इसके साथ, गवर्नमेंट स्कीम्स कोट करो जहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट पेपर 2।